इसके अंदर ज़्यादा पेस्ट हो गया, मुझे शेप्स के अंदर डालना पड़ेगा। ट्राईपॉड मंगाऊं क्या विराट से? अच्छा ऐसा पेस्ट मैं जमा के देखना चाहती हूँ कि कैसा होएगा। विराट तो नीचे चला गया मेरे ख्याल, मैं खुद ही लेके आ जाती हूँ। ठीक है ओहो ये टेक्सचर और पड़ा है। कितना थिक पेस्ट है। ठीक है पता नहीं कौन सा पार्ट है ये, तो ये मैंने पहले कभी क्रम्बल किया होगा ये। हाँ इसी का पार्ट है। ये भी शायद इसी का, हाँ ये भी इसी का पार्ट है। पहले इसको जमाते हैं। पूरा ठीक हो चुका ही है। अच्छा जो साइड साइड से थोड़ा पतला है ना, इसको एक बार मैं जमा के देखूँ कि ये कैसा जमता है। ये भी एक तरह से सैंपल ही ले लूँ ना। सो ये एक सैंपल ये तैयार हो चुका है। इसको रखते हैं साइड में, इसके ऊपर डालते हैं। मुझे लगा अब जाने को हो रही होगी अब जैसे भी, पर ना काम ही चल रहा अब तक स्टिल। अब देखो ये पानी ऊपर ऊपर रहेगा, इसमें मिक्स ही नहीं होएगा ये। और जब जो लेयर्स टूटती रहती है ना, वो इसलिए ही टूटती रहती हैं कि भाई ऊपर पानी ज़्यादा नीचे कम, इसलिए वो लेयर्स में बनता रहता है टेक्सचर। अगर जो टेक्सचर का मिक्सचर का सेम फ्रेश होना, ऊपर नीचे ज़्यादा थिक ना हो, तो एकदम बढ़िया जमती है। तो इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ दूँगी, अभी मिक्स करके छोड़ूंगी। बाय द वे ऊपर से थोड़ा और टेक्सचर मैं डाल देती हूँ, फिर हम कल देख लेंगे इसको। अब तो मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करी है ना, वो रिकॉर्ड करी थी सीरीज़ के लिए, भाई मेरी सीरीज़ तैयार हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। पर अब मुझे लगता है वो ना वीडियो मैं ऐसे डाल सकती, क्योंकि फिर वो सीरीज़ का पार्ट है। अब मैंने अगर जो उसको ऐसे डाल दिया पार्ट वन ऑफ दिस सीरीज़, तो फिर मुझे वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी ना, या तो फिर उसमें अगर जो मैं 2 हफ्ते बाद अगर जो वो कंटिन्यू करूँगी तो कितना ज़्यादा गैप आ जाएगा ना। तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि उसको किसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, या ऐसी वीडियो डाल दूँ, क्योंकि आप लोगों को वीडियो तो चाहिए होगी ना। चलो इससे डाल देती हूँ।
इसको मैं ऐसे ही छोड़ू क्या, इसको रख देती हूँ इसको, ठीक है। अब धो लेती हूँ मैं अपनी हैंड्स। चलो अब धूप आएगी, सारा दिन धूप में पड़ा रहेगा, इसको यहाँ साइड में छोड़ देती हूँ। और जी मैं चली। चलो थोड़ा सा हाथ इसमें डाल देते हैं। देखो ये टेक्सचर एकदम ड्राई लग रहा है, ठीक है। ये टब में था, ये एकदम परफेक्ट हो रखा है ये शेप बनाने के लिए। फिर मन कर रहा है मैं इसकी शेप बना दूँ। हेलीकॉप्टर देख लो जी, जूम कर देती हूँ अभी, देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है बादलों के बीच। जब छोटे होते थे ना, ऐसे प्लेन या कोई भी हेलीकॉप्टर जाता था ना, आवाजें मारते थे, ओए हमें तो ले जा, ओ यहाँ रोक ले, यहाँ रोक ले, कहते तो मेरे घर की छत पे लैंड करते इसको। अब नहीं कोई चीखे मारता, वो ना इतनी चीखे मारा करते थे ना इसको देख के। कैस अभी तक जूम ही हो रखा है क्या? चलो इतनी कुछ मैंने ये बनाई है, इसका क्या करूँ, पानी में धो लेती हूँ हाथ को। चलते हैं नीचे, कमेंट सेक्शन में बेस्ट ऑफ लक लिख देना, मैं समझ जाऊँगी कि आपने तीनों व्लॉग देखे हैं। चलो बाय बाय।